और अब जानते हैं कार्तिक मास में तुलसी पूजा का बहुत महत्व है। ऐसे में तुलसी से जुड़े कौन से उपाय कार्तिक मास में किस्मत आपकी चमका सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं तुलसी पूजा का महत्व। पंडित जी इस बारे में बताइए। देखो, अब तुलसी पूजा का भी महत्व इसलिए है कि इसी महीने में प्रबोधनी एकादशी आती है, जिस दिन तुलसी की पूजा का और तुलसी के विवाह का विधान होता है। तुलसी के विवाह का विधान भी कार्तिक के ही महीने में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि कार्तिक का महीना तुलसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। धन लाभ और मनचाही नौकरी पाने के लिए कार्तिक मास में तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भगवान श्रीहरि विष्णु के साथ जहाँ लक्ष्मी हों ऐसे प्रतिमा पर ये तुलसी की माला समर्पित करनी चाहिए। तुलसी केवल खाने की चीज़ नहीं है, तुलसी भगवान श्रीहरि विष्णु के श्रृंगार की वस्तु है। अगर आप कभी वृंदावन गए होंगे, अयोध्या गए होंगे, तो आपने देखा होगा तुलसी के पत्तों की माला बनती है। अब वो माला बांके बिहारी को चढ़ाई जाती है, राधा वल्लभ को चढ़ाई जाती है, राधा रमण को चढ़ाई जाती है, प्रभु श्री राम को चढ़ाई जाती है। तुलसी केवल चबाने की चीज और खाने की चीज नहीं है, तुलसी श्रीहरि के श्रृंगार की वस्तु है। और जब श्रीहरि के श्रृंगार में एक भी तुलसी का पत्ता पहुंच जाता है तो श्रीहरि उस जातक पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, गाय के गोबर का एक दिया बना करके और उसमें तेल और थोड़ा सा गुड़ की डली डाल करके अगर उसे जलाया जाए तो कारोबार में अगर गतिरोध आ रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं या आप अपने कारोबार की वजह से किसी कानूनी मामले में फंस गए हैं तो कार्तिक मास में अपने कार्य क्षेत्र के नैऋत्य कोण में तुलसी का पौधा लगाकर हर शुक्रवार को उसमें जल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा दिन तक तुलसी का पौधा नैऋत्य कोण में नहीं रहेगा, वहाँ से उठाकर आपको ईशान कोण में रखना होगा 30 दिन के बाद, नहीं तो वो पौधा सूख जाएगा। हर समय हर राशि के जातकों को तुलसी का पौधा ईशान कोण में ही लगाना चाहिए। ईशान का मतलब होता है भगवान शिव और ईशान कोण का मतलब होता है भगवान शिव का विशिष्ट स्थान, वही पूजा स्थान है। और तुलसी भी एक तरह से देवी हैं, इनको हरिप्रिया कहा जाता है। ये केवल एक वनस्पति नहीं है बल्कि ये भी लक्ष्मी की तरह ही हरिप्रिया हैं, एक देवी हैं, इसलिए इनको हर समय ईशान कोण में और स्वच्छ परिवेश में स्थापित करना चाहिए। घर में वास्तु दोष के कारण अगर तरक्की रुकी हुई है, परिवार के सदस्यों की सेहत हमेशा खराब रहती है, परिवार का मान सम्मान कम हो रहा है, कोई भी काम बनते बनते रुक जाता है, तो आपको चाहिए कार्तिक मास में घर की दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम दिशा तक तुलसी के पौधे लगाएं। सुबह शाम तुलसी के पौधों के सामने घी का दिया जलाएं। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे बहुत जिद्दी, बच्चे गलत संगत में पढ़ रहे हैं, तो घर की पूर्व दिशा में किसी खिड़की के पास तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और हर रोज़ बच्चों को तुलसी के 3 पत्ते खिलाएं। जिस लड़की की शादी में देरी हो रही है, रिश्ते बहुत आ रहे हैं लेकिन हमेशा ना ही सुनना पड़ता है, शादी की बात पक्की होकर रिश्ता टूट जाता है, जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है लेकिन वो सुखी नहीं है, उनको अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा केवल कार्तिक महीने के लिए स्थापित करना चाहिए। हर रोज तुलसी गायत्री मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।